इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें। कांग्रेस पर जमकर बरसे हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो गोपाल कांडा। कांग्रेस पर निशाना साधा है हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने। कांग्रेस में गुटबाजी है, उन्होंने कहा कांग्रेस को डुबो देगी गुटबाजी, ये बड़ी बात कहते हुए नजर आए गोपाल कांडा। लोगों को धमका रहे भूपेंद्र हुड्डा के उम्मीदवार, गोपाल कांडा ने ये बड़े आरोप लगाए हैं। धमकी और अपमान का बदला जनता लेगी, तो गोपाल कांडा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा के अपमान वाले बयान की भी निंदा की है। दलित महिला नेता का अपमान कर रही कांग्रेस, ये गोपाल कांडा ने कहा। सेतिया परिवार के सियासत पर भी गोपाल कांडा ने चुटकी ली है और कहा कि इस परिवार ने कई मुखौटे बदले हैं। तो कुल मिलाकर हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो गोपाल कांडा कांग्रेस पर जमकर बरसे, कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी है, कांग्रेस को गुटबाजी डुबो देगी, बड़ी बात कहते हुए नजर आए। जो व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा होने के बावजूद, जबकि ये तो टाइम होता है कि सिर्फ प्यार से वोट मांगने का, इस वक्त जो व्यक्ति इतनी धमकियां इतनी ऐसी बातें बोल रहा है, वो बाद में क्या करेगा, ये शहर का हर व्यक्ति समझ रहा है। मैं क्या भाई, पहले भी इसी परिवार के पास थी, 2009 में तीसरा नंबर आया था, ठीक है ना, 2009 में इसी परिवार के पास कांग्रेस थी, फिर बीजेपी में आए, फिर इनेलो में आए, फिर दोबारा कांग्रेस में आए हैं, तो लोग तो जानते ही हैं ना ये कौन है, वही है। बार बार मुखौटे बदल के आने से भी लोगों को पता है कि वही है। उसने देखा रोहतक में शैलजा जी को गाली निकाल रहा है, जाति सूचक क्या बोल रहा है, कांग्रेस पार्टी में आज वो किस कपद पे हैं, पर बहुत गलत है, कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, बहुत जबरदस्त भुगतना पड़ेगा।